तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रिजू गेमर। आज हम फिर से खेलने वाले हैं ग्रैनी चैप्टर 2। तो इस गेम में सबसे पहले हमने सारे एस्केप कर लिए थे नॉर्मली, फिर हमने हार्ड मोड पे किया है बोट एस्केप और डोर एस्केप, और अब हम करने वाले हैं हेलीकॉप्टर एस्केप। तो बहुत मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अभी मज़ा आएगा ना। तो यहाँ पर हो चुका है डे 1। अब यहाँ से फटाक से उठते हैं और सब जगह प्रॉपर चेक करते हुए चलेंगे। सबसे पहले मैं जाता हूँ नीचे, वहाँ देखते हैं कि वहाँ कुछ मिल जाए। मोस्टली वहाँ पर मिल सकती है हमें डक टेप, या फिर मिलता है वो ग्लास फ्यूज़, या फिर मिलती है ये स्पेशल की। ये तीन ही चीज़ मिलती है और स्पेशल की मिल चुकी है हमें। ये बहुत बढ़िया हो गया, क्योंकि ना अब मुझे थोड़ा सॉन्ट कर सा मिल गया है, क्योंकि वहाँ से वो बार्स लगे होते हैं ना, उन्हें अब मैं खोल पाऊँगा। तो यहाँ से मैं इसे लेकर चलता हूँ ऊपर, और यहाँ से ग्रैंड पा आएगा, मुझे पता था। अब ये जैसे ही इधर के आएगा, मैं इधर से जाकर इसको की को लगा दूँगा, स्पेशल की को, ताकि वो लॉक है ना वो खुल जाए। तो यहाँ से चलते हैं ऊपर, लेकिन थोड़ा केयरफुली, कहीं ग्रैनी ना आ जाए। और मैं ना थोड़े इधर के चलूँगा, क्योंकि यहाँ से आवाज़ हो जाती है ना तो ग्रैनी भी आ जाएगी। सबसे पहले इसे लगा देते हैं। ग्रैंड पा मेरे पीछे ये, भाई जल्दी खुल। अबे आगे ग्रैंड पा, निकलो जल्दी इधर से। और ग्रैनी किधर है भाई? मैं यहाँ से सोच रहा हूँ कि अभी इधर इसको घुमाऊँ थोड़ा सा, भाई आवाज़ ना हो जाए, क्योंकि ग्रैनी आ गई ना दिक्कत देगी। तो यहाँ पर भी चेक कर लेता हूँ भाई, ये ग्रैंड पा मेरे, ग्रैनी भी मेरे पीछे आ गए भाई, दोनों के दोनों। चलो कोई बात नहीं, ऊपर चलते हैं, ऊपर का रास्ता तो क्लियर हो चुका है। तो यहाँ तक सबसे पहले ऊपर आया हूँ मैं इस रूम में, क्योंकि यहाँ से ना हमें एक शॉर्टकट सा मिल जाएगा नीचे जाने के लिए। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, और यहाँ पर है स्टन गन। भाई साहब ये काफ़ी बढ़िया हो गया। अब इन बुढ़े बुढ़िया दोनों को स्टन करते हैं सबसे पहले, फिर अपने आराम से हर जगह चेक करेंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बुलाता हूँ इस ग्रैनी को, फिर ग्रैनी मर गई तो फिर ग्रैंड पा भी आएगा। तो यहाँ पर मैंने कर दिया है ग्रैनी और ग्रैंड पा दोनों को स्टन, और यहाँ से अब ग्रैंड पा पे से ले लेता हूँ मैं एक की सिक्योरिटी की। अबे देना ग्रैंड पा, क्या कर रहा है? एक तो ये 30 सेकंड के लिए ही स्टन होते हैं, तो इतना टाइम हमारे पास होता भी नहीं है। मैं ज़्यादा कुछ, यहाँ पर डोर हैंडल है, ओके, मैं ज़्यादा कुछ ढूंढ पाऊँ इतना मुझे टाइम भी नहीं मिलता। यहाँ पर पीस ऑफ पिक्चर है, ये तो काम आने वाले हैं। तो इन सबको ना मैं इन सब चीज़ों को मैं यहाँ पर इकट्ठा कर देता हूँ, सबको एक साथ ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पर मैं स्टन गन को उठा लेता हूँ, और ग्रैनी भी शायद अब तो आती होगी। उससे पहले मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कुछ और मिल जाए तो। इस कमरे में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि कुछ मिलता है के। और यहाँ है गिलास फ्यूज, चलो ये भी काम का है। लेकिन मैं उससे पहले ग्रैनी ग्रैंड पा को एक बार और बुलाकर स्टन कर देता हूँ। सो यहाँ इस ड्रोर में मिला है मुझे पैडलॉक की, लेकिन इसका कोई काम नहीं है। सबसे पहले हम इन ग्रैनी ग्रैंड पा को स्टन कर देते हैं, और उस गिलास फ्यूज़ को भी इस कमरे के अंदर रख देंगे, क्योंकि बाद में ना फिर सब चीज़ को एक साथ ले जाएंगे। यहाँ पर इस कमरे में ज़्यादातर ये आते जाते नहीं है, और इधर ये पीस ऑफ पिक्चर पड़ा है इस कमरे में, इसे भी मैं इस कमरे में डाल देता हूँ। तो इधर गाइज मैंने ग्रैनी को स्टन कर दिया है, और आपको उसको देखो कैसी खड़ी है यार, ये पता नहीं ये क्या हो गया, ग्लिच हो गया कि क्या। यहाँ ग्रैंड पा को भी स्टन कर देता हूँ, लेकिन मुझे तो इस ग्रैनी पर हंसी आ रही है भाई, ये किस तरीके से खड़ी है। यहाँ पर मुझे मिला है एक क्रोबार, तो इसका भी जो काम है उसे भी करते हैं। अबे हट जा ग्रैनी, क्या ही लटकी पड़ी है भाई खंभे के। चल यहाँ पर खोल देते हैं हम इस बॉक्स को। यहाँ पर है कटिंग प्लायर, इसको भी यहाँ पर अंदर पटक लेते हैं, क्योंकि ऊपर इसका एक काम होता है। होप करता हूँ कि इसका काम ना आए। तो इस क्रोबार को लेकर चलते हैं नीचे। सो मैं यहाँ पर आया हूँ नीचे, इधर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर है हेलीकॉप्टर की, चलो एक और बढ़िया चीज़ मिल चुकी है। अब सबसे पहले तो मैं चल रहा हूँ नीचे उस बॉक्स को ओपन करने, वहाँ पर देखते हैं कि कुछ बढ़िया मिल जाएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं यहाँ पर कुछ मिलेगा। ग्रैंड पा मेरे पीछे, इसलिए मैं यहाँ पर छुप जाता हूँ। यहाँ पर इस बॉक्स को भी हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर है स्पार्क प्लग, मैंने कहा था ना यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिलने वाला, लेकिन कोई बात नहीं, अब ऊपर चलकर अपनी स्टन गन को लेते हैं। मैं यहाँ पर ऊपर जा रहा था, तो मैंने सोचा इस हेलीकॉप्टर की को भी ऊपर अपने साथ ले जाऊँ, क्योंकि काम तो इसका ऊपर ही आने वाला है ना। और लगे हाथ हम ऊपर भी चेक कर लेंगे, कुछ यहाँ पर भी काम का मिल जाए तो। यहाँ अंदर चलते हैं, इस की को मैं यहीं पर ड्रॉप कर देता हूँ, क्योंकि इसका काम आ जाएगा। यहाँ से हम इसे उठा कर ले जाएंगे। यहाँ हैंड व्हील पड़ा था, इसका तो कोई काम नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर वेपन की, चलो ये बढ़िया हो गया, वेपन की है हमारे पास, तो अब हम गन को भी नीचे से ला सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने किचन अभी तक चेक नहीं किया था, मुझे याद आया, तो मैं यहाँ पर पूरा किचन चेक कर लेता हूँ कुछ मिलता है कि। यहाँ पर है रेंच, रेंच का भी यूज़ तो है, अभी देख लेते हैं
यहाँ पर और चेक कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो रेंज को लेकर चलते हैं। चलो रेंज का भी हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। अब यहाँ पर ऊपर चलता हूँ और पीछे ग्रैंड पारात में यहाँ पर छुप जाता हूँ। भाई देखा तो नहीं यार, देखने का कोई वो तो बनता नहीं, ये तो नीचे था भाई साहब, इसने कैसे देख लिया यार मुझे, ये तो इसकी सोची समझी साजिश रची गई है गाइस मेरे खिलाफ। यार इसने मुझे देखा भी नहीं छुपते हुए यार, मैं शेट, मैं सोच रहा था कि पहली बार में ही कर देते यार, रिकॉर्ड बन जाएगा हार्ड मोड पर, लेकिन कोई बात नहीं। चलो सो यहाँ पर मैंने ग्रेनी ग्रैंड पा को स्टन कर दिया है और इस जानवर को भी स्टन कर देते हैं। यहाँ पर उठा लेते हैं अपनी एमओ, क्योंकि बाद में ये उठ जाता है, अगर मैं एक और बार मर गया तो ये उठ जाएगा, फिर इस स्टन गन को लेना इम्पॉसिबल हो जाएगा। यहाँ पर मुझे मिली है सेफ की, अब इसे ले जाकर लगाते हैं सेफ में और देखते हैं। भाई साहब ये ग्रैनी यार शेट कहाँ से आ गई यार एकदम में। सो इधर मुझे सेफ की मिली है, इससे हम इस सेफ को खोल लेता हूँ, देखते हैं यहाँ पर क्या है। गैसोलीन कैन, भाई गैसोलीन कैन को कौन रखता है भाई सेफ में। भाई सही है यार, पेट्रोल काफ़ी महंगा हुआ पड़ा है तो रखना पड़ता है। मस्त प्लान है। और यहाँ मैं इस गैस कैन को भी ऊपर लाकर यहाँ पर पटक देता हूँ और इधर मैं नीचे जाकर उस डक्ट टेप को भी ले आता हूँ। भाई साहब क्या ही खतरनाक दिया भाई यार शेट, मैं एक और बार मर गया यार, ये फोर्थ डे हो गया है। चलो कोई बात नहीं गाइस, यहाँ पर मैंने अब इन ग्रैनी ग्रैंडपा को दोबारा से स्टन कर दिया है। अब सारा सामान जो भी बच रहा है नीचे, उसे सबको ऊपर लेकर चलते हैं। सो गाइस यहाँ पर हमारा जो एस्केप है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मैं सारे सामान को ले आया हूँ। अब इन सबको लगाते हैं, या नीचे ही खड़ी है ये तो चली जाएगी। अब यहाँ पर इन सारे सामान को लाकर पटक देते हैं, क्योंकि अब तो एस्केप हो चुका है। सो यहाँ पर गाइस मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचता, अब डायरेक्टर मिलता हूँ आपको हेलीकॉप्टर के एस्केप करते हुए। और यहाँ पर गाइस फाइनली हमारा एस्केप हो चुका है। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मिलते हैं मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट एक्सट्रीम मोड पर, तो तब तक के लिए गुड बाय।